सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। नेक्स्ट ईयर 4 जनवरी 2024 को हमें न्यू जापान प्रो रेसलिंग का रेसल किंगडम पे पर व्यू देखने को मिलने वाला है। रेटेड आर सुपरस्टार एज ये बोल रहा है कि उनको फेस करना है कोजुचुकी ओकाडा को, तो इसी मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो, और चलिए सेली वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइज, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ऑल इलीट रेसलिंग नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है कि 4 जनवरी 2024 को हमें रेसल किंगडम पे टोक्यो डोम में देखने को मिलने वाला है। रेटेड आर सुपरस्टार एज का हमें एज के नाम पे नहीं बल्कि एडम कॉपलैंड के नाम पे रेसल ड्रीम पीपीवी में डेब्यू देखने को मिलता है, क्योंकि एज का जो नाम है वो WWE अपने नाम पे पेटेंट करवा के रखी है, तो सिर्फ WWE ही अपने कंपनी में एज नाम यूज कर सकती है। तो एडम कॉपलैंड के नाम पे हमें डेब्यू देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट इस वीक के AEW डायनामाइट के एपिसोड में हमें उनका ऑल इलीट रेसलिंग में भी डेब्यू देखने को मिल चुका है लुचासोरस के अगेंस्ट। लुचासोरस वर्सेस एडम कॉपलैंड का हमें मैच देखने को मिलता है। तो अभी से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू होता है एडम कॉपलैंड का, और एडम कॉपलैंड ये बोलता है कि मैं कभी भी रेसल किंगडम पे पर व्यू में और रेसल किंगडम जहां पे होता है टोक्यो डोम, मैं वहां पे कभी भी फाइट नहीं किया हूं। कैसा हो कि मैं एक आइडिया पिच करने वाला हूं एक सुपरस्टार के अगेंस्ट, और वो ये बोलता है कि कैसा है ये आइडिया कि मैं कोजुचुकी ओकाडा को फेस करूं नेक्स्ट ईयर के 4 जनवरी 2024 के रेसल किंगडम पेपर व्यू में टोक्यो डोम में। और वो यहीं पे नहीं रखते हूँ, ये बोलते हैं कि मैं इन सारे सुपरस्टार को देखता हूं तो मैं दोबारा जाग जाता हूं, जैसे कि मैं WWE में काफ़ी सारे फाइट कर चुका हूं, तो मैं इन सारे सुपरस्टार को देखता हूं तो मैं दोबारा से जाग जाता हूं। और कैसा होगा कि जब मेरा कोजुचुकी ओकाडा के साथ मैच होगा नेक्स्ट ईयर के 4 जनवरी 2024 में रेसल किंगडम पीपीवी में, तो रेटेड आर सुपरस्टार एडम कॉपलैंड कुछ ये बोलते हैं। और एज यहीं पे नहीं रुकते हैं, एज ये भी बोलते हैं कि अभी भी ऑल इलीट रेसलिंग में मेरे लिए काफी फ्रेश फाइट है, जैसे कि ऑरेंज कैसिडी का, जॉन मॉक्सली का, ब्रायन डेनियलसन का, और मीडो का, काफ़ी सारे सुपरस्टार का वो नाम लेते हैं। और वो ये बोलते हैं कि उनको फेस करना है कोजुचुकी ओकाडा को नेक्स्ट ईयर के रेसल किंगडम पीपीवी में। तो देखते हैं गाइस कि जिस प्रकार से एज का डिमांड है कि वो फाइट करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के 4 जनवरी 2024 के रेसल किंगडम पीपीवी में टोक्यो डोम में, तो क्या ये वाला चीज़ हमें देखने को मिलता है नहीं। वैसे गाइस पॉसिबिलिटी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ये वाला मैच हमें नेक्स्ट ईयर के टोक्यो डोम रेसल किंगडम पीपीवी में देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है आप मुझे जाकर बता सकते हो, लेकिन एज इंटरव्यू में यही बोलता है कि उनको फेस करना है कोजुचुकी ओकाडा को न्यू जापान प्रो रेसलिंग में। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी।